हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। तो राजमा चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम राजमा दाल की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो है ये राजमा रात को भिगाने रख दी थी और ये सुबह तक देखिए कितनी अच्छी तरह से भीग चुकी है और मैंने इसको धो लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें साफ पानी डाल रही हूँ। तो साफ पानी डाल के मैं इसे ढक्कन लगाकर गैस पर रख देंगे इसे। और मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला है, नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है। और मैंने जो है गैस पर रख दिया फुल फ्लेम पे, इसे पकने के लिए रख देंगे। और जब इसमें देखिए अब सीटी आने लगी है, थोड़ा थोड़ा सा एक सीटी आ गई है, उसके बाद मैंने ये लो फ्लेम पे कर दिया है। और लो फ्लेम पे हम इसे 25 से 30 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये 25-30 मिनट हो चुके हैं, अब हम जो है गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब करेंगे हम चावल बनाने की तैयारी। तो चावल बनाने के लिए मैंने चावल को साफ कर दिया है और ये प्रेशर में ले लिया है मैंने चावल को। और इनको हम धो के अच्छी तरह से धोएंगे और 5 मिनट के लिए इन्हें भीगने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद लिया है मैंने एक अदरक का टुकड़ा, अब जो है मसाले की तैयारी कर रहे हैं। और 1-2 मिर्च लिए हैं मैंने और थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ ली है, इन्हें हम अच्छी तरह से इसी में कूट लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। और ये मैंने इसका पेस्ट बना दिया है। अब जो है ये चावल भी भीग चुके हैं और इसमें मैंने साफ पानी डाल दिया है। अब हम इसे चूल्हे पर रख देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे इसे। मैंने फुल फ्लेम कर दिया है यहाँ पर। और मैं चावल जब भी बनाती हूँ तो प्रेशर पर ही बनाती हूँ। और वो चावल वहाँ उधर बन रहे हैं तो इधर हम जो है मसाले की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज 2 टमाटर, इनको हम बारीक काट लेंगे। और ये भी मैंने काट चुकी हूँ, प्याज और टमाटर को काट चुकी हूँ, इनको रख देंगे साइड। और मैंने एक कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई में जो है सबसे पहले मैं पापड़ तो लूँगी, मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है क्योंकि ज़्यादा बर्तन ना करते हुए। तो इसमें मैं पापड़ तल रही हूँ। ये मैंने सारे पापड़ तल लिए हैं और इनको कर देंगे हम साइड। अब मैंने इसी तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, 1 तेज़पत्ता डाल दिया है और 4 लौंग डाल दी हैं। इसके बाद जीरा होने के बाद मैंने डाल दिया इसमें प्याज और प्याज को हम ब्राउन कर देंगे। अभी प्याज ब्राउन हो चुका है तो अब डाल देंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने ये बना के रखा हुआ था, ये भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे हम इसमें टमाटर और टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो ये मसाले होते हैं हमारे बेसिक मसाले, इनको डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है क्योंकि मैं पहले भी मिर्च डाल चुकी हूँ, और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाली है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी ली है। अब हम राजमा को चेक कर रहे हैं तो ये राजमा देखिए बिल्कुल उबल कर तैयार है। एक दाने को हम चेक करेंगे तो ये बिल्कुल तैयार है। इसे हम थोड़ा सा मैश करेंगे और इसमें मसाले में डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है और ये गर्म पानी यूज़ करती हूँ मैं जब भी ये खाना बनाती हूँ, तो गर्म पानी यूज़ करती हूँ। अब ये थोड़ा सा उबल चुका है, बस इसे 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम जो है गैस को बंद कर देंगे। अब मैं जो है रायता की तैयारी कर रही हूँ। रायता बनाने के लिए मैंने लिया है 1 खीरा और ये देसी खीरा है, इसको मैंने साफ कर दिया लेकिन छीला नहीं है, मुझे ऐसे ही रायता पसंद है, खीरे का रायता बना रही हूँ मैं आज। तो मैंने ये जो बारीक वाले छेद होते हैं उसमें उससे घिस लिया है इस खीरे को। और ये दही है तो दही में हम मिक्स कर लेंगे घिसा हुआ खीरा को, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे, मैंने 1/2 चम्मच काला नमक डाला है और 1/2 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है और 1/2 चम्मच हम भुना हुआ जीरा पेस्ट डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
और ये रायता भी तैयार है, इसको भी साइड कर लेंगे। इसके बाद मैं सलाद काट रही हूँ। सलाद के लिए लिया है मैंने एक खीरा और एक प्याज। और देखिए ये बिल्कुल तैयार है, चावल भी बन चुके हैं, पापड़, सलाद और रायता भी तैयार है और राजमा की दाल भी तैयार है। देखिए और मैंने सबको खाना दे दिया है। अब मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ, तो मैंने रख दिए हैं थोड़े से चावल, रायता, राजमा की दाल और ये पापड़, सलाद। तो ये मेरी प्लेट है, मेरा जो है लंच तैयार है। तो चलते हैं डाइनिंग टेबल की ओर। तो ये बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था राजमा की दाल। तो मैं करती हूँ लंच। और फ्रेंड आपको ये राजमा दाल की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हौसला बढ़ता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। लेकिन जब कोई देखता नहीं है वीडियो को और अच्छे व्यू नहीं आते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है चैनल को, तब तो वीडियो डालने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ और हमारा हौसला भी बढ़े। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।